नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के महात्मा गांधी मार्ग पर एक ज्वेलर्स की दुकान पर एक महिला व पुरुष के द्वारा दुकान में सोने के आभूषण देखने के बहाने अंदर गए। व्यापारी के द्वारा उन्हें सोने की चेन दिखाई गई। महिला ने धीरे से 33 ग्राम की सोने की चेन गायब कर दी। महिला एवं पुरुष दुकानदार को 500 रुपए एडवांस बुकिंग के लिए दे गए और वहां से निकल पड़े। जब दुकानदार ने रात्रि में गहने रखने के पूर्व मिलान किया तो एक 33 ग्राम की सोने की चेन कम पाई गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो महिला हाथ में चेन को छिपाते हुए आसानी से नजर आ रही है। महिलाओं पुरुष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये हाई प्रोफाइल पृष्ठभूमि के हों। सोने की चेन को चुराने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वही कोतवाली पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है। वही सीसीटीवी व जिस ऑटो रिक्शा में बैठकर यह महिला पुरुष गए थे, रिक्शा चालक से पूछताछ की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करेगी। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। श्रुति ज्वेलर्स, तो अपने यहाँ कल दो कस्टमर बन के आए थे, तो उन लोगों ने अपने यहाँ से चेन चोरी करी है। कल एक गले की सोने की 33 ग्राम वजन की थी। दिखने में तो अच्छे सिटी जैसे लोग लग रहे थे। उनके अपने पास वीडियो क्लिप भी है और उनका पूरे एक्चुअल फुटेज भी है। तो मैं चाहता हूँ अगर और कोई भी किसी ने भी देखा हो या कहीं किसी पता हो आस पड़ोस में आपने कहीं देखा हो तो अपने जल्द से जल्द खबर करें। आप लोगों ने पुलिस को पुलिस पर FIR हमने दर्ज करा दी है और दर्ज कराने जा रहे हैं, तो वो भी पुलिस भी अपने सब काम में लग रही है। ठीक, नाम बता दें। दिव्येश माने, श्रुति ज्वेलर्स, एमजी रोड पे। ये मामला कल रात को 10 बजे संज्ञान में आया। श्रुति ज्वेलर्स जो राजवाड़ा में स्थित है, वहाँ पे उनके संचालक दिवेश महाजन, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि सुबह मेरी दुकान पे पति पत्नी के जोड़े के रूप में एक दंपत्ति आई थी और उन्हें बड़े सफाई से मेरे द्वारा जो चेन सोने की दिखाई करीबन 30 ग्राम की, वो चुरा कर ले गए। उन्होंने हमें कुछ वीडियो फुटेज भी उपलब्ध करवाए और उसके बाद ही हमने तत्काल एक टीम गठित करके सभी होटलों की चेकिंग करवाई। चूँकि वीडियो फुटेज से हमें काफ़ी मदद मिली है, उनके एग्ज़िट पॉइंट तक हमें सफलता मिल गई है और जल्द ही हम इसको खुलासा करेंगे। सर, हम लोग दुकान से चोरी करने के बाद ऑटो करके निकल गए। हाँ, दुकान से चोरी करके वो ऑटो पकड़ के बस स्टैंड तक गए, घोड़ा चौपाटी तक गए, फिर वहाँ से उन्हें बस पकड़ के आगे रवाना हो गए। क्योंकि ये घटना के वीडियो देख के ऐसा लगता है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं और आदतन अपराधी हैं। पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी, पहले उनकी शिनाख्त कर लें, हम उसी लिए लगे हुए हैं। ठीक है।